दोस्तों काफ़ी टाइम से ऐसा कहा जा रहा था कि शाओमी अपना अगला फ़ोन पोको F2 लॉन्च करने जा रहा है अप्रैल के महीने में, बट अब यहाँ पर शाओमी ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो पोको F2 की जगह रेडमी प्रो 2 लॉन्च करने जा रहा है, जो कि पोको F1 का सक्सेसर होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो इसमें हमें फुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें किसी तरह की नॉच नहीं होगी, और सेल्फ़ी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। बात करें रेयर साइड की, तो रेयर में इसमें हमें ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का मिलेगा। और जो इसकी कुछ पिक्चर्स लीक होकर आई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस बार इसमें हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो इसके हाईलाइट फीचर्स दिए गए हैं, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि इसमें हमें 3.5 mm का जैक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है और फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स में ज़्यादातर 3.5 mm का जैक नहीं दिया होता है। इसलिए इन्होंने इसमें ये चीज़ हाईलाइट की है कि यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक देखने को मिलेगा। सो देखते हैं ये फ़ोन कब तक इंडिया में लॉन्च होता है और किस प्राइस रेंज के साथ ये इंडियन मार्केट में आता है। हालांकि फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होने वाला है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसकी प्राइस अबव 30,000 ही होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।